नमस्कार, एमपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और खबरों की शुरुआत करते हैं अभी तक की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में दालों की कीमतों की उच्च स्तरीय बैठक में की समीक्षा, दाल के जमाखोरों पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया एमपी ट्रेवल मार्ट का शुभारंभ, कहा प्रदेश में केंद्रीकृत टूरिस्ट ट्रैकिंग सिस्टम बनेगा। और स्वास्थ्य राज्य मंत्री शरद जैन ने बेड़ाघाट पहुंचकर नर्मदा महोत्सव की तैयारियों का लिया जायजा। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश में दालों की कीमतों की आज उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने जमाखोरी एवं कालाबाजारी की जांच के लिए सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने जमाखोरी एवं कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों से दाल की कीमतों की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि दाल पर तत्काल स्टॉक सीमा एवं अन्य नियंत्रण संबंधी प्रावधान लागू किया जाए, साथ ही कालाबाजारी एवं जमाखोरों पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने सभी कलेक्टर को निर्देश दिए कि दाल के जमाखोरों के विरुद्ध जांच का अभियान चलाया जाए। बैठक में मुख्य सचिव एंटोनी डिसा, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री इकबाल सिंह बैस, प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अशोक वर्णवाल एवं सचिव मुख्यमंत्री विवेक अग्रवाल भी उपस्थित थे। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में केंद्रीकृत टूरिस्ट ट्रैकिंग सिस्टम बनाया जाएगा। इसके जरिए प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा और उनकी कठिनाइयों को दूर करने की केंद्रीकृत व्यवस्था की जाएगी। हर साल नर्मदा के किनारे प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति और लोक कला पर केंद्रित बड़ा आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री आज यहां एमपी ट्रेवल मार्ट के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मार्ट में पर्यटन उद्योग से जुड़े देश विदेश के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के भोपाल आगमन पर जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने उनकी अगवानी की। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग उप समूह की अनुशंसा के संबंध में बैठक में भाग लेने के लिए अल्प प्रवास पर भोपाल पहुंचे थे। विमानतल पर स्वागत के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सीधे मंत्रालय में नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए रवाना हुए। बैठक के बाद जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को विमानतल पर विदाई दी। और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने शनिवार को दतिया के स्टेडियम ग्राउंड का निरीक्षण किया। उनके साथ कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और संबंधित वरिष्ठ अधिकारी भी थे। आपको बता दें कि स्टेडियम में दशहरे के दिन रावण दहन का कार्यक्रम किया जाना है। कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से हो सके इसके लिए उन्होंने सभी लोगों को इकट्ठा करके चर्चा की। चर्चा के बाद स्वास्थ्य मंत्री और कलेक्टर द्वारा सभी को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गयी। और स्वास्थ्य राज्य मंत्री शरद जैन ने शनिवार को भेड़ाघाट पहुंचकर नर्मदा महोत्सव के आयोजन के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान जबलपुर की महापौर डॉक्टर स्वाति गोडबोले, भेड़ाघाट नगर परिषद के अध्यक्ष दिलीप राय, उपाध्यक्ष किशोर दुबे, भेड़ाघाट नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष अनिल तिवारी, महेश तिवारी और सुनील जैन तथा पर्यटन विकास निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक एम एन जमाली, रायपुर टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हेमंत सिंह भी मौजूद थे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ईएमएस टीवी की सारी खबरें आप ईएमएस टीवी की वेबसाइट और उसके ऐप पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।